हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पग डंडी लाइफ पे। तो आज हम सीखेंगे एक अल्पाइन टेंट, जिसको हम ए शेप टेंट भी बोलते हैं, तो कैसे इसको पिच करा जाता है। तो ये जो वर्टिकल हिस्सा है, इसमें V1 V2 V3 लिखा हुआ है, तो ये सब हो जाएगा, ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा। याद रखिए अला हिस्सा ऊपर आए, ताकि वो जो इसमें छेद है इसके अंदर चले जाएगा। ये जो हिस्सा है, इसमें H1, H2, H3, H4 लिखा हुआ है, चार हिस्से आते हैं जो हॉरिजॉन्टल लगते हैं। इसको एक्सटेंड कर लीजिए। और ये ऐसे आ जाएगा, और एक पोल इधर, एक पोल उस साइड, ऐसे आके ऐसे बन जाएगा। तो जब हमने इसको सेंटर में से डाल दिया, तो ये ऐसे जो ऐसे वाला हिस्सा है उसके अंदर डालेंगे, और इसको यहाँ पर ऐसे फंसा देंगे, ऐसी उस साइड से भी कर लेंगे, फिर इसको ऐसे खड़ा करते हैं। तो ये जो चार कोने में ऐसे आके, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे चार कोने में दिया हुआ है, चार कोने में हुक लगा लेना है। इसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर है, ये शीशे लगाना है। इसके बाद ऐसी एक सेंटर में दिया हुआ है, ऐसे उस साइड भी दिया हुआ है, और एक उधर दिया हुआ है, और एक फ्रंट साइड दिया हुआ है। तो ऐसे तीन साइड, तीन उस साइड, सेंटर सेंटर, ये हुक्स लगा लेना है। इसके बाद जब हमारा ये हो गया, फिर हमें इसके ये खींचने हैं, 1, 2, 3, 4, और चार उस तरफ भी है, उस तरफ भी हमें खींच के इसको लगा लेना है। तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ए शेप स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो आप देख लोगे तो इसमें प्रॉपर ए शेप स्ट्रक्चर आ रहा है, इसको अल्पाइन टेंट बोलते हैं। इसमें थोड़ा हाइट अच्छी रहती है। टेंट का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। तो नाउ हम उसमें आउटर लगाएंगे। आउटर में ही होल दिया हुआ है, एक साइड इधर दिया, एक साइड इधर दिया। इस होल को, इस होल में यहाँ पर डाल देना है। तो ये होल है पीछे साइड से, इसको भी यहाँ पर से डाल दिया, फिर टेंट का आउटर आ गया। करना है कि टेंट का जो आउटर है वो इनर आउटर से मिले ना, तो थोड़ा दूर लगाना है, ताकि इनर और आउटर में थोड़ा गैप मिले। उसका फायदा ये होता है कि अगर बरसात हो रही है या कुछ नमी आ रही है, तो आउटर में रह जाए, अंदर का टेंट में ना आ जाए। इतना पार्ट लगा दीजिए, डायगोनल में खींचना चाहिए, ताकि जो शेप आया शेप अच्छा है। तो हमारा टेंट इज रेडी, परफेक्ट गैप आया है इसमें इनर और आउटर में। सो अगर नमी आती है तो ऊपर आने में अंदर नहीं आ पाएगी, इजीली चार लोग आसानी से आ सकते हैं। अब हम लाइट हेड लगाते हैं। क्रैम 2021 411 मॉडल। तो जब हम इसको ऐसा फोल्ड करने का क्या है, इस तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे, ओनली हाफ आउटर, आउटर जो कवर था और अच्छी चाहिए। ये बाहर में दर्शन बाहर ही गंदा होता है, तो ये गंदा होता है। Thank you.
को एटलीस्ट फोल्ड करने के लिए दो जने चाहिए ताकि अच्छे से हवा निकल के फोल्ड हो जाए। हवा निकल के फोल्ड करोगे उतना कॉम्पैक्ट होगा और कम जगह लेगा। अगर फोल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर चेन होती है आगे से, उसको ओपन होना ताकि हवा निकलते रहे और गंदगी साफ कर लेना। और अच्छे फोल्ड कर रहे हैं कहाँ से गंदगी निकल रहा है, उसको से रख लो गंदगी फोड़ना। ऐसे फोल्ड करते हैं सब सफाई कर लेंगे तो हमारे ट्रेंडी पैक हो गया है, उससे कवर आता है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल स्वामी लाइफ। और आपको ये टेंट रेंट पे लेने हैं ऑर्डर करने तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9625569।